morning. Guys, अभी मुझे रात के दो और भी मैं खा रहा हूँ कुकी। मम्मी तो उसको प्याज का परोठा बोलते हैं, हम तो उसको बसर की कुकी कहते हैं। और ठंड में परोठा खाने का मजा ही अलग है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जैसे कि आपको पता है, ओम चला गया है स्कूल। आज स्कूल बहुत ही लेट गया है क्योंकि हम रात को बहुत ही लेट सोए थे। उसको लगी थी रात को 2 बजे भूख। उसने मेरे से रात को 2 बजे प्याज वाले पराठे बनवाए थे, वो खाए। फिर नींद बिगड़ती है तो नींद तो जैसी तैसी आती नहीं है। सुबह के 5 बजे हम सोए हैं तो उठने में भी लेट होगा ओब्वियसली। और मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। ऑलरेडी ओम का टिफिन स्कूल चला गया है, ओम ने खाना खा भी लिया होगा। अब हमारे लिए रोटियाँ बनानी है तो जाना पड़ेगा। ओम 4:30-5 बजे स्कूल से आ जाएगा। उसके बाद हम एक मस्त जगह पर जाने वाले हैं, वहाँ मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। आज बहुत मज़ा आने वाला है। अब आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए हमारे ओल्ड वाले किचन में। जब से मेरी मम्मी शादी करके आई है तब से ये किचन बना हुआ है, तो हम फिलहाल खाना इसी में बनाते। अभी तक न्यू किचन हम यूज़ नहीं करते, ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है। मम्मी का मन नहीं करता न्यू किचन में खाना बनाने का, क्योंकि वो पहले से ही यहाँ पे खाना बनाती है, इसको हैबिट है ये ओल्ड वाले किचन में खाना बनाने की। सो रोटियाँ बन के फाइनल बाहर आ चुकी है, अब हम खाने वाले खाना। मेरा खाना और दूसरे रूम का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं पपीता लेकर आ गई हूँ नए वाले रूम में, खाकर उसको सो जाऊंगी और चलते हैं शाम को घूमने के लिए मस्त वाले प्लेस पर। ओम बाबू स्कूल से आ गए हैं। स्कूल से आकर डायरेक्ट सौरव जोशी के व्लॉग देखने बैठ गया। ओम ओम, मैंने भी आज नहीं देखा है ये व्लॉग तो। मैं स्कूल जाते ही पपैया खा रहा हूँ क्योंकि मम्मी ने रोक के ला के खा लिया, अब मैं खा रहा हूँ। एवरीवन, मैं हो गई हूँ तैयार जाने के लिए और ओम मैं ओम को देखती हूँ, ओम क्या कर रहा है अभी। चलिए तो ओम को देखते हैं। ओम हो गया, रेडी हो गया। ओम भी रेडी है, बस हम निकल रहे हैं। चल आजा बाहर आजा। ये स्टार्ट हो गई है हमारी बाइक, रेडी फॉर राइड। तो ठंड बहुत सारी हो रखी है। चुका है HP का पंप, यहाँ से पेट्रोल फुल करवाएंगे फिर जाएंगे आगे। बिल्कुल छोटी रोड आ चुकी है, गांव का एंट्रेंस है। एक गांव आ चुका है, अभी हमें यहाँ से दूसरे गांव जाना है, तभी वो जगह आएगी। पहुँच चुके हैं यहाँ पर जहाँ हमें जाना था। जय माता दी। गुजरात में मारांदल को बहुत पूछते हैं, जिसकी मन्नत होती है वो लेडीज यहाँ पे लोटे चढ़ाती है। यार बैक, हम आ चुके हैं घर पे और नींद आ रही है, इसीलिए मैं चाय पीना चाहती हूँ अभी। और मैं बना रही हूँ चाय मेरे और ओम के लिए। खाने वाला
अभी हम जा रहे हैं अम्मा के घर, मतलब कि मेरी सासू माँ के घर और ओम की अम्मा के घर। ओम की अम्मा से भी आपको मिलवाऊंगी। बस अभी हम जा रहे हैं मेरी अम्मा के घर। मेरा भाई आ चुका है। और ओमी और बोलू बैठ गए गाड़ी पर। ये मेरी आंटी से ये मेरी अम्मा, ये मेरे अंकल है, ये मेरे दादाजी है, ये है मेरे बड़े अंकल। क्या लाया? Oh my God. हम पहुंच चुके हैं घर और बोलू जा रहा है खुद के घर। माँ चुके हैं घर पे। ओम पराठा बेल रहा है खुद के लिए। ओम दिखा तुम्हारा पराठा, दिखा। गोल तो नहीं है, सीधा रख सीधा रख। वो चौरस पराठा बनाया है। वेरी गुड। हम तो कर रहे हैं एंडिंग के। मैं करूं बेटा, मैं करूं, चल मैं कर, मैं करूं बेटा, मैं कर लेती हूं। चल तू मस्त नहीं करोगे एंडिंग? मैं कर लूं, ठीक है चल। आई होप सो गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करिए और मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता दी फ्रेंड्स। और कल 31st है तो सेलिब्रेशन तो करना बनता है, तो करेंगे कुछ हम भी स्पेशल। पर हमारा छोटा सा गांव है, यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन तो होता है नहीं वैसे, पर यहाँ पे गांव में कुछ नहीं होता, तो जैसा भी करेंगे जो भी करेंगे आपके साथ ही करेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। और मिलते हैं कल।